क्या प्रभाव है पर्युषा महापर्व का। इतनी बातें, इतने गुणगान, इतना शास्त्रों में वर्णन, इतने दृष्टांत, इतने उदाहरण, इतनी महत्ता, इतनी आराधना साधना क्यों करते हैं लोग पर्युषा महापर्व का, प्रभाव क्या? और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो चार बातें मैं करने जा रहा हूं, अपने आप को देख लेना कि यदि ये चार बातें मेरे जीवन में आई है, मेरे जीवन में प्रवेश कर पाई है, तो समझना पर्युषा महापर्व मेरे लिए प्रभावशाली बने, पर्युषा महापर्व का प्रभाव मेरे जीवन में आया। वरना समझ लेना पर्युषा महापर्व तो हर साल आते हैं और आकर के चले जाते हैं, आते हैं आकर के चले जाते हैं। इस साल भी आए और चले जाएंगे, अगले साल भी आएंगे और चले जाएंगे, पिछले साल भी आए थे, आए और चले गए, हम कहां, हमने क्या प्रभाव का अनुभव किया? इसीलिए शास्त्रकार भगवान कह रहे हैं कि बराबर सुन लेना पर्युषा महापर्व का प्रभाव क्या का। चार चीजें यदि आपके जीवन में घटित हो तो समझ लेना पर्युषा महापर्व का प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है, तो समझ लेना कि पर्युषा महापर्व आपके लिए प्रभावशाली बने। हमारी दिक्कत यह है, हमारी परेशानी यह है, हम कहीं ना कहीं बाह्य जगत में रुक जाते हैं, बाहर ही हम कहीं ना कहीं रह जाते हैं, भीतर तक पहुंच नहीं पाते, मर्म तक पहुंच नहीं पाते, उनके रहस्य को छू नहीं पाते, भीतर में प्रवेश करना थोड़ा कठिन हो जाता है, बाहर ही हम रह जाते हैं। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि हम शायद ये समझते हैं कि प्रतिक्रमण कर ले, आराधना साधना कर ले, हमारा पर्युषा महापर्व सार्थक हो गया। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि नहीं, यदि ये चार चीजें तेरे जीवन में आई नहीं, तो समझ लेना चाहे तू कितने प्रतिक्रमण कर ले, चाहे तू कितने पक्षखान कर ले, चाहे तू कितने तपत्याग कर ले, चाहे कितनी आराधना साधना कर ले, चाहे कितने प्रवचनों का श्रवण कर ले, चाहे गुरु भगवंतों की भक्ति कर ले, लेकिन जब तक ये चार चीजें तेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाई, तब तक समझना कि पर्युषा महापर्व का प्रभाव तेरे जीवन में आया नहीं। चार सूत्र बताए, कहा नंबर वन पर्युषा महापर्व का प्रभाव क्या, कहा नंबर वन बढ़े अहोभाव, कहा जीवन में अहोभाव बढ़ना चाहिए। सबसे पहला प्रभाव पर्युषा महापर्व का यह है, आपके जीवन में धर्म का अहोभाव बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं कि क्रियाएं कम हो जाए तो चलेगा, तपत्याग कम हो जाए तो चलेगा, आराधना साधनाएं कम हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन धर्म के प्रति अहोभाव जब तक नहीं बढ़ता, तब तक समझना कि पर्युषा का प्रभाव हमारे जीवन में अभी तक आया नहीं है। धर्म के प्रति अहोभाव कितना अहोभाव हमारे जीवन में धर्म के प्रति है, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। कहां है अहोभाव? क्रियाएं हो जाती है, आराधनाएं हो जाती है, साधनाएं हो जाती है, तब त्याग हो जाता है, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना कुछ पाने के बावजूद भी, इतना सारा करने के बावजूद भी, धर्म के प्रति अहोभाव एक भीतर में कहीं ना कहीं जागृत नहीं हुआ है। इसलिए पर्युषा महापर्व की ताकत यह है कि धर्म के प्रति आपके जीवन में अहोभाव बढ़ाते हैं। का पर्युषा महापर्व का प्रभाव नंबर वन बढ़े अहोभाव, अहोभाव बढ़ना चाहिए। आपने कभी सोचा, आपने कभी देखा, अपने जीवन के ऊपर दृष्टिपात किया, अपने जीवन के ऊपर देखने की आपने कभी शायद कोशिश की कि आज भी जिनालय के सामने से निकलते हैं तो मस्तक झुककर नमो जिनानम होता है या नहीं होता है? समझना पर्युषा महापर्व का प्रभाव यह है कि धर्म का अहोभाव बढ़ता है। जो धर्म अपराध दिन करते हो, आप जानते हो कि धर्म ही हमें तारेगा, आप जानते हो कि धर्म ही हमारा उद्धार करेगा, आप जानते हो कि धर्म ही हमें बचाने वाला है, आप जानते हो कि धर्म ही हमें दुर्गति में जाने से रोकने वाला है, आप जानते हो कि जीवन में कोई काम नहीं आएगा तब धर्म ही काम आएगा, इतना कुछ जानने के बावजूद भी शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि समझ लेना धर्म के प्रति आपका अहोभाव कितना है। पर्युषा महापर्व का प्रभाव आपको यदि अनुभव करना है तो जीवन में समझ लेना धर्म के प्रति अहोभाव जब तक नहीं आएगा, तब तक पर्युषा महापर्व का प्रभाव आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। कहां है अहोभाव? जिनालय के आगे से निकले, कितनी बार मस्तक झुका, कितनी बार हमने नमो जिनानम बोला, रास्ते से निकल रहे थे, गुरु भगवंत विहार कर रहे थे, गुरु भगवंत चल रहे थे, कितनी बार हमने गाड़ी को ब्रेक लगाई, कितनी बार हमने गाड़ी को रोका, कितनी बार गाड़ी से नीचे उतर करके हमने गुरु वंदना करी, ऐसा कितनी बार हुआ?
सोच लेना हमारा जीवन कहां जा रहा है। कोई दुखी व्यक्ति सामने दिख गया, बिना किसी की प्रेरणा के कितनी बार जेब में हाथ चला गया कि नहीं कुछ ना कुछ तो देना है। कोई साधर्मिक को देख लिया, बिना किसी की प्रेरणा के कब मन में हुआ कि लाओ आज एक साधर्मिक की भक्ति कर लेता हूं। कहां है हमारे जीवन में धर्म के प्रति अहोभाव? बड़ी सोचनीय बड़ी विचारणीय बात हमारे जीवन के लिए है कि सब कुछ हमारे पास है लेकिन धर्म के प्रति अहोभाव नहीं है। मैं कहता हूं देखो अन्य लोगों को, हमने कई बार देखा है। हम पिछले साल विहार करते करते कश्मीर जैसे क्षेत्र में गए, वहां मुस्लिम संप्रदाय के बीच में रहना होता था, चारों तरफ मुस्लिम लोग होते थे और हुआ ऐसा कि जब हम गए तब उनके रोजे का महीना चल रहा था। हम जहां ठहरे थे, जो जगह पे श्रीनगर में हम ठहरे थे, वहां पे काम करने वाले मजदूर लोग जो मजदूरी करके खुद का जीवन चलाते हैं, परिवार का पेट भरते हैं, वो लोगों को भी जब पूछा गया, बातचीत की गई कि भोजन का समय हो गया, आपको भोजन नहीं करना, कहा कि नहीं महाराज हम रोजा रखते हैं। मैंने कहा श्रीनगर में या आसपास में कितने लोग रखते हैं? कहा कि प्रायः जितने भी लोग हैं 99.99% का रेशियो है हमारा, प्रायः चाहे छोटे से छोटे मजदूरी करने वाला लोग हो या बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, व्यवसायिक हो, व्यापारी हो या छोटे से छोटी मजदूरी करने वाला इंसान हो, हर कोई रोजा रखता है। कहा कि महाराज हमारे धर्म में लिखा है कि निश्चित तौर पर रखना ही चाहिए। हम कई बार रास्ते से निकलते थे, सुबह नमाज का समय हो जाता था, फुटपाथ पर बैठा हुआ इंसान हो, चाहे उसके पास इतनी संपत्ति ना हो, चाहे उसके पास बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं, लेकिन फिर भी अपनी दुकान को साइड में करके एक कोने में जाकर के कपड़ा बिछा करके मस्जिद के सामने अपना मुंह करके नमाज पढ़ने बैठ जाता है। अब मिलिए कभी क्रिश्चियन लोगों को, हर संडे चर्च में जाना मतलब जाना, कुछ न कुछ सेवा का काम करना मतलब करना। और परेशानी यह है हमारे यहां पे कि हमारे यहां पे भी होता है लेकिन 100% हमारे पास रिजल्ट नहीं। आप देखिएगा अपने संघों में, देखिएगा आप सभी संघों का सर्वे निकालिए, आपको पता चलेगा कि संघ में यदि 500 घर है उसमें से 100 घर एक्टिव है, 400 घर वालों को कोई लेना देना नहीं, 50 घर वाले दान करते हैं, कुछ ना कुछ पैसे लिखवाते हैं, बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं। बड़े बड़े मुंबई जैसे महानगरों में, अहमदाबाद जैसे नगरों में यह हालात है कि बड़े बड़े संघ हो, बड़े बड़े घर हो, वहां पे 400 घर, 500 घर, 600 घर, 700 घर का संघ हो, लेकिन आराधना साधना करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, परमात्मा की पूजा करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, प्रतिदिन मंदिर आने वाले लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपके जीवन में धर्म के प्रति अहोभाव नहीं है। आपको सब कुछ बहुत सरलता से मिल गया है, बड़ी आसानी से मिल गया है, और इसलिए धर्म के प्रति अहोभाव आप लोगों के जीवन में महसूस नहीं होता। धर्म के प्रति तो कितना अहोभाव, कितने अहोभावित हो हम धर्म के प्रति। उन लोगों के पास कुछ भी तो नहीं है, न तपत्याग की परंपरा है, न इतने सुंदर परंपरा है, न पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंतों की परंपरा है, न अहिंसा पूर्वक धर्म की परंपरा है, फिर भी उन लोगों के जीवन में आप लोगों से ज्यादा धर्म हमें दिखाई पड़ता है। धर्म के प्रति जो डेडिकेशन है, धर्म के प्रति जो समर्पण का भाव है, धर्म के प्रति कुछ करने की भावना है, वो उन लोगों के जीवन में ज्यादा है, शायद हमारे जीवन में कम है। क्यों नहीं है धर्म के प्रति अहोभाव? क्यों पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंतों को देख करके मन में अहोभाव प्रकट नहीं होता? क्यों परमात्मा की प्रतिमा को देख करके 3.5 करोड़ रोम राज्य विकस्वर नहीं होते? क्यों कोई साधार्मिक को देख करके हमारे जेब में हाथ नहीं चला जाता? क्यों कोई दुखी और गरीब को देख करके हमें कुछ देने का मन नहीं होता? बिना प्रेरणा हम क्यों कुछ नहीं करते? हर चीज में हमें प्रेरणा की जरूरत पड़ती है,
हर चीज में कहना पड़ता है, हर चीज में बताना पड़ता है। सामने से समझ के सोचकर धर्म की आराधना और धर्म का अहोभाव आपके जीवन में कितना है, यह बड़ी सोचने वाली बात है। एक बार खाली सोच लेना कि बिना प्रेरणा के और बिना कहे मैंने कितनी धर्म की आराधना करी, मैंने कितना दान किया, मैंने कितना तप किया, मैंने कितना त्याग किया। अरे आपकी परेशानी तो यह है कि कहने के बाद भी आप करने को राजी नहीं होते, कहने के बाद भी आप करने को तैयार नहीं होते। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में सब कुछ बाद में लाना। आपकी परेशानी यह है कि आपको धर्म का प्रभाव तो अनुभव करना है, आपको धर्म का प्रभाव तो चाहिए, आपको धर्म का रिजल्ट तो चाहिए, धर्म का रिजल्ट तो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि धर्म से जो मिलने वाला सुख है वो हमारे जीवन में आए, लेकिन धर्म के प्रति अहोभाव आप लोगों के जीवन में नहीं। और प्रभाव तब ही आपको महसूस होगा, प्रभाव तब ही आप अनुभव कर पाओगे जब अहोभाव आपके जीवन में होगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में धर्म का प्रारंभ यदि कहीं से करना हो तो अहोभाव से करना। पर्युषणा महापर्व का प्रारंभ, पर्युषणा महापर्व का प्रभाव क्या? कहा नंबर वन, बढ़े, क्या बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है? अहोभाव। नंबर टू, बदले स्वभाव। पर्युषणा महापर्व का प्रभाव क्या? हमारा स्वभाव बदल जाए। क्या स्वभाव हम लेकर बैठे हुए हैं? और मैं तो बार बार दोहराता हूं, बार बार कहता हूं, जहां जाता हूं वहां कहता हूं कि जीवन में आपको ये जानना हो कि आपके जीवन में धर्म प्रवेश कर पाया या नहीं कर पाया, आपका जीवन धार्मिक है या नहीं है, आपके जीवन में धर्म है या नहीं है, वो क्रियाओं से नहीं जाना जाता। आप जिनालय में 3 घंटा बिता देते हो उसका मतलब यह नहीं कि आप धार्मिक हो। आप हर रोज सुबह शाम के प्रतिक्रमण कर लेते हो उसका मतलब यह नहीं कि आप धार्मिक हो। आप 365 प्रवचनों का श्रवण कर लेते हो उसका मतलब यह नहीं कि आप धार्मिक हो। बराबर कान खोल के सुन लेना। आप हर 5 तिथि कुछ ना कुछ तपस्या कर लेते हो, परिश्रम महापर्व में तब की आराधना कर लेते हो, उसका मतलब यह नहीं कि आप धार्मिक हो। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि कान खोलकर सुन लेना, आप धार्मिक हो कैसे पता चले? जब आपका स्वभाव सरल बन जाए तो समझना कि आप धार्मिक हो। और हमारी दिक्कत यह है, हम सब कुछ कर लेते हैं। आप क्रिया भी कर लेते हो, आराधना साधना भी कर लेते हो, प्रतिक्रमण भी कर लेते हो, प्रवचनों का श्रवण भी कर लेते हो, तप त्याग भी कर लेते हो, हरि का त्याग भी कर लेते हो, चौहार भी कर लेते हो, नौकार से भी कर लेते हो, गुरु भगवंत यदि रास्ता बताए तो दान भी कर लेते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि स्वभाव को नहीं बदल पाते। और जब तक स्वभाव न बदले समझना पर्युषणा महापर्व आपके लिए प्रभावशाली नहीं है। पर्युषणा महापर्व का प्रभाव है कि आपका स्वभाव बदलना चाहिए। पर्युषणा महापर्व तभी सार्थक होगे जब आपका स्वभाव बदलेगा। कहां बदल पाए हम हमारे स्वभाव को, कहां चेंज कर पाए? नहीं गुरु भगवान, हमारा स्वभाव ऐसा ही है, हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? मैं कहता हूं स्वभाव बदलना चाहिए। आप चाहे कुछ भी कर लो लेकिन जब तक आपका स्वभाव नहीं बदलता, ये पर्युषणा का प्रभाव समझना आपके जीवन में अभी तक आया नहीं है। भाई ये दुनिया से अपने आप को मत तोलो, भीतर से कितने बदले ये देखने की कोशिश करो। भीतर से अहोभाव आया कि नहीं ये देखने की कोशिश करो। भीतर में अहोभाव जागृत हुआ के नहीं ये देखने की कोशिश करो। हमारा स्वभाव बदला के नहीं ये देखने की कोशिश करो। हमने कभी नहीं देखा, अरे हमने तो नहीं देखा। कोई यदि हमें ये कह देना कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, सच कहना अच्छा लगता है या बुरा लगता है? कोई तुमने एम के तुम्हारो स्वभाव सारो ना थी तो सारो लागे खराब लागे, बोलो ना। पहला तो कहवानी हिम्मत ज थोड़ा ओछा लोगों में हो, क्योंकि यहाँ तो कई का कहिए एक्शन पहला रिएक्शन तैयार ज हो, हजी तो पहला नी बात पूरी थाय एना पहला तुम्हारा शब्दों गोठवायेला ज हो, के शू जवाब आपवो छे, शू केवू छे, शू संभळावू छे, शू एने संभळावी देवू छे। गया वखत नू बाकी हतुं, एना पहला ना वखत नू बाकी हतुं, एना पहला ना वखते छटकी गयो तो हाथ में नतो आव्यो, आ वखते तो बधुं पूरुं ज करी नाखो। सामने वाला कुछ बोले उसके पहले तुम्हारा रिएक्शन तैयार है।
सामने वाला कुछ बात पूरी करे उसके पहले तुम्हारी बात शुरू हो जाती है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपकी आसपास में ऐसे लोग ही नहीं है जो आपको बता पाए कि आपका बुरा स्वभाव है या अच्छा स्वभाव है, और शायद कोई मिल भी जाए, कोई निकल भी जाए, और फिर भी हम सुनकर राजी होते हैं या दुखी होते हैं। एक चीज समझना, किसी के साथ क्रोध से बात कर लेनी, किसी के ऊपर चिल्ला लेना, जोर से बोल लेना, उसमें कोई हिम्मत वाली बात नहीं है, उसमें कोई परिश्रम नहीं है, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन शांत रहने में परिश्रम है, शांत रहने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, शांत रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये चिल्लाना, ये लड़ना, ये झगड़ना, ये किसी को कुछ भी सुना देना, किसी के लिए कुछ भी बोल देना, ये तो हमारी आदत है। अन्य भवों से हम सीखते सीखते आए हैं, कभी कहां पशु पक्षियों के भाव में गए थे, कभी प्राणियों के भाव में गए थे, और वहां के संस्कार लेकर यहां पे आए हुए हैं। लेकिन शांत रहना ये मानवता की ताकत है। और पर्युषणा महापर्व ये सिखाता है, पर्युषणा महापर्व ये समझाता है कि भाई समझ लेना, पर्युषणा महापर्व का प्रभाव क्या, तेरा स्वभाव बदल जाए। हम किसी से बातचीत करें तो बातचीत करने का सलीका हो, कैसे बातचीत की जाए, कौन से स्थान पर खड़े रहकर की जाए, कौन से शब्दों का उच्चारण किया जाए, यह हमें आता नहीं। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं ना, बोलना सीखने में 6 महीना 1 साल 2 साल लग सकता है, लेकिन क्या बोलना यह सीखने में पूरा जीवन चला जाता है। क्या बोलना चाहिए, किसके सामने बोलना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, यह सीखने में पूरा जीवन निकल जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में कोशिश करिएगा स्वभाव बदलना चाहिए। और यह पर्युषणा महापर्व का प्रभाव है। यदि हम अनुभव करना चाहते हो, हम जानना चाहते हो, हम समझना चाहते हो कि पर्युषणा महापर्व का प्रभाव क्या है, तो समझ लेना, 1 बढ़े बढ़े अहोभाव, बदले स्वभाव। तीसरी बात करते हैं, 3, मिटे द्वेष भाव। पर्युषणा महापर्व का प्रभाव क्या, द्वेष भाव मिटना चाहिए। जो द्वेष की भावना आप भीतर में लेकर के बैठे हो, जो द्वेष की भावना आपके भीतर है, जो आपके भीतर आप कहीं ना कहीं द्वेष के भाव लेकर के बैठे हो, वो मिटने चाहिए, तभी जाकर ये पर्युषणा महापर्व आपके लिए प्रभावशाली बनेगी। हमने कभी सोचा कि कितनी द्वेष की भावना हमारे भीतर है, किस किस के लिए हम द्वेष लेकर बैठे हुए हैं, किस किस के लिए द्वेष की भावना हम लेकर बैठे हुए हैं, एक बार बैठ करके सोचना और सोच करके जीवन में कोशिश करना कि क्लियर कर पाए। क्यों रखे हम द्वेष की भावना, आपको पता है, क्रोध शायद 1 क्षण का हो, 1 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, लेकिन क्रोध को तत्काल रूप से खत्म न किया जाए तो क्रोध द्वेष में परिवर्तित होता है, और द्वेष को भी खत्म न किया जाए तो द्वेष वैर भाव में परिवर्तित होता है। और ये भाव नहीं, भव भव तक वो वैर की परंपरा चलती है। कमठ और मरुभूति आपको पता है, 10-10 भवों तक वो वैर की परंपरा चलती रही। प्रभु पार्श्वनाथ हर बार क्षमा करते रहे, कमठ हर बार परेशान करता रहा, अरे यहां तक तीर्थंकर परमात्मा के भव में आकर के भी प्रभु को उपसर्ग किया, किसने किया, कमठ ने किया। वो एक बार यदि बैर की परंपरा शुरू हो गई तो भवो भव तक चलती रहेगी, वो परिपूर्ण नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी, बराबर समझना। द्वेष भाव को मिटाना है, जो द्वेष का भाव आप जीवन में लेकर के बैठे हो, दूसरों के प्रति जो द्वेष की भावना आपके मन में रहती है, उसको हटाना पड़ेगा, तभी जाकर ये पर्युषणा महापर्व का प्रभाव हमें अनुभव होगा, वरना अनुभव नहीं कर पाएंगे। मिटे द्वेष भाव, कितना द्वेष हम लेकर के बैठे हैं, किस किस के लिए लेकर के बैठे, चाहे किसी के साथ मुस्कुरा के बात करते हो लेकिन भीतर में उसके प्रति द्वेष पड़ा है, चाहे सामने से किसी की प्रशंसा कर रहे हो लेकिन भीतर में उसके प्रति द्वेष पड़ा है,
चाहे मुंह के ऊपर उसका अच्छा बोल रहे हो, लेकिन भीतर में उसके प्रति द्वेष पड़ा हुआ है। कहां जाकर निकलेंगे, कहां जाकर छूटेंगे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पर्युषणा जैसा महापर्व है, इतना उत्तम पर्व है, इतना अद्भुत पर्व है, द्वेष की भावना को मिटा देना, तभी जाकर पर्युषणा महापर्व का प्रभाव आपके जीवन में आप अनुभव कर पाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पर्युषणा महापर्व का प्रभाव क्या, यदि हमारे जीवन में चार चीजें आ जाए तो समझना पर्युषणा महापर्व हमारे लिए प्रभावशाली है, और यदि चार चीजें हम नहीं प्राप्त कर पाए तो समझना पर्युषणा महापर्व हमारे लिए प्रभावशाली नहीं। बड़े अहोभाव बदले स्वभाव और मिटे द्वेष भाव और प्रगटे मैत्री भाव। कहा कि क्या प्रकट करना है, भीतर से क्या बाहर लाना है, क्या निकालना है? कहा मैत्री। अपने बद्धा बोलिए ने, मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुज हैयामा वया करे, शुभ थावो आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे। हम बचपन से बोलते आए हैं मैत्री की भावना जगानी है। जो होवे मुझे शक्ति ऐसी, सभी जीव करु शासन। ये परिसना महापर्व का प्राण है। हम बोलते हैं खामे में सब जीवे सवे जीवा खमन तुम्हें, और तीसरा पद बोलते हैं, बोलो तो, मिट्टी में सब भूए। मैत्री है सभी से मेरी, किस किस से मैत्री? आप जगत में कितनों से मैत्री कर पाए, कितनों से जुड़ पाए, ये बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के लिए है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझ लीजिएगा, मैत्री भाव को जगाना है, मैत्री भाव का प्रकटीकरण करना है, मैत्री भाव जीवन में लाना है, तभी जाकर ये परिसरा महापर्व हमारे लिए सार्थक हो गए, सफल हो गए। जब तक मैत्री भाव का प्रकटीकरण नहीं होता तब तक ये परिसरा महापर्व सार्थक नहीं है। हम भले ही बाजू बाजू में बैठे हो लेकिन मन में द्वेष के भाव लेकर बैठे हो तो परिसरा महापर्व सार्थक नहीं। साथ में बैठकर प्रतिक्रमण कर लिया, साथ में बैठकर प्रवचनों का श्रवण कर लिया, साथ में जाकर के परमात्मा की भक्ति कर ली, लेकिन भीतर में जब तक वो व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव का प्रकटीकरण न हो तब तक ये परिसना महापर्व हमारे लिए सार्थक नहीं होगा। और मैं तो कहता हूं मैत्री भावना की शुरुआत अपने घर से करो। सबसे पहले ये देखो कि घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें किसी के प्रति तो मेरे मन में द्वेष भाव नहीं है ना। समझना, मेरा सगा भाई हो, मेरी सगी बहन हो, मेरे कोई रिलेटिव्स हो, मेरे साथ घर में रहने वाले हो, मेरे कोई बड़े बुजुर्ग हो, उनके प्रति कहीं ना कहीं द्वेष भाव तो नहीं है ना। मन में शुरुआत करना, ये परिसरा महापर्व इंट्रोस्पेक्शन का पर्व है, खुद को झांकने का, परखने का और देखने का पर्व है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जीवन में शुरुआत करना कि कम से कम मैं जो घर में रहता हूं, मैं जो मकान में रहता हूं, मैं जिन लोगों के साथ में रहता हूं उनके प्रति तो कहीं द्वेष भाव मन में नहीं भराए ना। जो मेरे भाई बंधु है, जो मेरे मित्र है, जो मेरे स्नेही है, जो मेरे स्वजन है, जो मेरे परिवारजन है, जो मेरे आसपास में रहने वाले हैं, जो मेरे निकट है, उनके प्रति कहीं मन में द्वेष भाव तो नहीं है ना। ये सोच करके शुरुआत करना मैत्री भावना की, पहली शुरुआत अपने घर से। मेरे घर में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिनके प्रति मेरे मन में द्वेष। कभी बैठकर सोचो, भले बाहर से आपको सब ठीक लग रहा हो, भले बाहर से आपको महसूस हो रहा हो कि नहीं महाराज साहब एक घर में रहते हैं सब बराबर है, सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भीतर में जाखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक घर में रहने के बावजूद भी घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रति कोई कोने में द्वेष भाव हम लेकर बैठे, वो देखोगे तो पता चलेगा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में कोशिश करना ये परिसरा महापर्व के प्रभाव का अनुभव करना हो तो निश्चित तौर पर आप ये समझ लेना, ये चार चीजें आपके जीवन में आई तो समझना परिसरा महापर्व का प्रभाव आपके लिए सार्थक हुआ, परिसरा महापर्व आपके लिए सार्थक हुआ। यदि ये चार चीजें आपके पास नहीं है, इतने परिसरा महापर्व की आराधना करते करते भी ये चार चीजें आप प्राप्त नहीं कर पाए तो समझना कि परिसरा महापर्व हमारे लिए प्रभावशाली नहीं बने। चार चीजें निश्चित तौर पर आनी चाहिए, बदलनी चाहिए। सबसे पहले नंबर में बड़े, साथ में मिलकर बड़े अहो भाव, नंबर टू बदले स्वभाव, नंबर थ्री मिटे द्वेष भाव, और चौथे नंबर में प्रगटे मैत्री भाव। ये चार चीजें आवे ना तो समझना पर्युषणा महापर्व का प्रभाव हमने समझ लिया।
प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।